रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागरिन, एयर कंडीशनर लग्जरी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास सिविल लाइन सागर। मोबाइल नंबर 8770942168। प्रदेश का सागर अब बदनाम हो चला है। यहाँ पर ना सिर्फ महिलाओं से अत्याचार किया जा रहा है, बल्कि सरेराह उनकी इज्जत को भी तार तार किया जा रहा है। ऐसी ही एक खबर से शुक्रवार सुबह सागर उस वक्त दहल गया, जब सागर के जैसीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 20 साल की युवती से क्षेत्र के ही कुख्यात बदमाशों ने गैंग रेप किया। आरोपियों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब युवती अपने रिश्ते के जीजा के साथ बड़ी बहन के यहाँ जा रही थी। तभी रास्ते में बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद जीजा से मारपीट कर युवती को जंगल में ले गए, जहां उसके साथ आरोपियों ने बारी बारी से गैंग रेप किया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी भी मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिस पर सागर जिला पुलिस कप्तान ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। जैसीनगर थाने से मिली जानकारी के मुताबिक जैसीनगर से 20 वर्षीय युवती अपने रिश्ते के जीजा के साथ बड़ी बहन के यहाँ नया गांव मोटरसाइकिल से जा रही थी। तभी रामपुरा के जंगल के पास कुख्यात आदतन आरोपी चैन सह ने उन्हें रोक लिया और उसके जीजा के साथ जमकर मारपीट की गई। वहीं आरोपी युवती को जंगल में ले गए, जीजा के सामने ही युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया और इसके बाद आरोपी मोटरसाइकिल और युवती को लेकर जंगल की ओर भाग निकले। जीजा जैसे तैसे जैसीनगर पहुंचा, जहां उसने यह पूरी जानकारी पुलिस को दी। मामला गंभीर होने के चलते जैसीनगर थाना प्रभारी शशिकांत गुर्जर अपनी टीम के साथ तुरंत ही मौके पर पहुंचे और मौके से युवती को बरामद किया गया, जबकि दो आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग है। साथ ही पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त की है, लेकिन जंगल का फायदा उठाकर मुख्य आरोपी चैंस हैं और उसका एक अन्य नाबालिग साथी मौके से भाग निकला। घटना घटित होने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 376 सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है और मुख्य आरोपी चैंस हैं एवं एक अन्य नाबालिग आरोपी की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद सागर पुलिस अधीक्षक तरुण नायक एडिशनल एसपी विक्रम कुशवाहा के साथ जैसीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने वारदात स्थल का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने फरार आरोपियों पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें सक्रिय हैं। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जल्दी फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना जैसीनगर अंतर्गत थाने में सूचना प्राप्त हुई थी एक घटना की, तो जिस पर तत्काल यहां पर पुलिस ने नाकाबंदी की और तत्काल टीमें लगाईं और इसमें इन टीमों की नाकाबंदी में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी इसमें कुल 4 आरोपी हैं घटना में शामिल, इसमें 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अभी पुलिस ने कई सारी टीमें बनाई हैं जो क्षेत्र में यहाँ पे सर्चिंग कर रही हैं और इसमें हम लोग अन्य साधनों में भी गांव में और अन्य जो व्यक्ति हैं जो इसमें इनके सहयोगी हो सकते हैं, तो उसमें हम लोग अलग अलग जगहों पे दबिश देके इसमें कर रहे हैं। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जो शेष आरोपी जो गिरफ्तार होने से बच गए हैं उन पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। जो भी कोई इसमें सूचना देगा इनको पकड़वाने में, तो उसको ये नाम दिया जाएगा और नाम इनका गोपनीय रखा जाएगा। इसमें जो अभी आरोपी जो हुए हैं उसमें 2 नाबालिग हैं और 2 बालिग हैं आरोपी, और जिसमें से एक बालिग एक नाबालिग आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 जो शेष हैं उनको भी पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। यहाँ पर हम लोग जंगल में सर्चिंग कर रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पर कई 3-4 थानों की पुलिस फोर्स को लगाया गया है। इसके अलावा लाइन से भी बल बुलाया गया है और पूरे एरिया की कॉम्बिंग करके सर्चिंग करा रहे हैं और इसमें हम लोग बहुत जल्दी सफलता हासिल कर लेंगे। जैसीनगर से कुलदीप चौरसिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।